हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज एनएरोबिक मोनेरन्स विच आर एंडोसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद कैटल रूमेन आर. तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है ऐसे मोनेरन जो कि एनएरोबिक हैं और एंडोसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हैं कैटल के रूमेन से. तो ऐसे जो मोनेरन्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप बोलते हो मिथेनोजेन. क्या करते हैं बच्चों? ये मिथेनोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के गट में. कैटल्स गट ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया काऊ, बफलो, बफलो एटसेट्रा. इन सारे कैटल्स के गट में ये होते हैं और जो है हेल्प करते हैं किसमें? मीथेन के प्रोडक्शन, मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ये बात हो गई जो मोनेरन्स थे एनारोबिक थे और एंडोसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड थे कैटल के रूमेन, मिथेनोजेंस थे. और ये किस में आते थे बच्चों? ये आते थे आर्की बैक्टीरिया में. कैसे हैं? आपके मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं ये. बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की वजह से. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ए नहीं होगा बच्चों. बेसिलस जो है वो एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएट करता है. हेलोफाइल्स ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं बच्चों, ये भी नहीं होगा. थर्मोएसिडोफाइल्स ये हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये भी नहीं होंगे कैटल के गट में. कैटल के गट में सिर्फ मिथेनोजेंस पाए जाएंगे. तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों. थैंक, होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.